हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सर। पठान की 33 दिन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और पठान को अभी तक बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ज़रूरत है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। पठान अपने 33वें दिन सिर्फ इंडिया से 2.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है। इस तरह पठान पहले 33 दिनों में सिर्फ इंडिया से हिंदी में 507 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है। इसे बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 4 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जरूरत है। बाहुबली 2 ने इंडिया से हिंदी में 511 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अगर पठान इंडिया से हिंदी में 4 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेता है तो ये सिर्फ बाहुबली 2 को नहीं बीट करेगी, तो ये इंडिया की नंबर 1 मूवी बन जाएगी जिसने हिंदी में 510 करोड़ से ऊपर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की होगी। और पठान पहले 33 दिनों में सिर्फ इंडिया से 525 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है। पठान ने ग्रॉस से 630 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और पठान ने ओवरसीज से 386 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिए। कल पठान ने ओवरसीज से 2 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी और पठान ने सैटरडे के दिन ओवरसीज से 1.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। भाई पठान तो ओवरसीज में तबाही मचा रहा है और पठान ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 1020 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। फेज 2 जब आएगा तो KGF चैप्टर 2 और RR फिल्म को भी बीट कर जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।